अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी ब्रेकफास्ट रेसिपी कह लीजिए से या क्विक स्नैक रेसिपी कह लीजिए, ये शेयर करने जा रही हूँ। आजकल ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत वायरल हो रही है। तो इसको इस रेसिपी को बनाना बहुत ईजी भी है और आप इसे इवन बची हुई रोटी के साथ भी बना सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी, डिलिशियस और बहुत ही अच्छा सा ये स्नैक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो हमारी वीडियो के फटाफट से मिल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक नॉर्मल आटा गूंद लिया है, जो गेहूं का आटा आप लीजिए नॉर्मल। एक कप आटे के अंदर 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल के और ये आटा सॉफ्ट सा डो बना लिया है और उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया। और उसके बाद हम उससे एक पेड़ा लेंगे, मतलब एक कप के अंदर 4 बन जाएंगे ये वाले जो हमारे पिज़्ज़ा रैप्स हैं। ये पिज़्ज़ा रैप की रेसिपी है बेसिकली। और इस तरह की बड़ी सी रोटी बेल लीजिए और उसको तवे के ऊपर सेक लीजिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम घर में नॉर्मली चपाती बनाते ही हैं। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है कि इसके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊं। तो ये छोटी सी वीडियो है और इससे आपको इंशाल्लाह पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाना है। तो इस तरह से हमने देखिए रोटी को सेक लिया है। रोटी आटा अच्छे से गूंदा हुआ होता है तो रोटी बहुत अच्छी बनी जाती है। तो ये देखिए हमारी चपाती बिल्कुल से रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक सेंटर से लेकर और एक ऐसे कट लगा लेंगे, मतलब एक रेडियस के ऊपर आप कट लगा लीजिए। पूरा कट नहीं करना है चपाती को, आधा कट करना है। उसके बाद एक साइड हम इसके अंदर एक हम चीज़ का जो होता है ना सैंडविच बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ होता है वो वाला स्लाइस हम एक साइड रख देंगे और दूसरी साइड हम लगाएंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी जो आपको पसंद का सॉस है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेजवान सॉस यूज़ कर लीजिए, चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर लीजिए या टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और एक साइड हमने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ रख दिए और जो हमारी फोर्थ साइड है उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कटी हुई वेजिटेबल्स यानी कि थोड़े से बेल पेपर्स हैं वो रेड और ग्रीन और अनियंस ये रख दिए हैं। और ऊपर से हम थोड़ा सा ओरिगैनो या फिर मिक्स्ड हर्ब जो भी अवेलेबल हो आप वो स्प्रिंकल कर दीजिए, नहीं तो अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे फोल्ड करना है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह से देखिए एक कॉर्नर उठा के और हम दूसरे के ऊपर रखकर ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और फिर उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और लास्ट वाले कॉर्नर को हम इस तरह से लास्ट वाला कॉर्नर उठाएंगे और उसे वापस से पूरे जो हमारा ये सैंडविच है उसके ऊपर ऐसे रैप कर देंगे। तो अब इसमें एक बात का ख्याल आपको ये रखना है कि जो जहाँ से हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे और जहाँ पे हम लास्ट में फोल्ड करेंगे वहाँ पे, उन दोनों जगह पे कोई ऐसी चीज़ लगानी है जिससे कि हमारी जो चपाती है वो स्टिक हो जाए। तो मैंने वहाँ पे चीज़ का इस्तेमाल किया है, वो गर्म होगी या मेल्ट होगी और वो चिपक जाएगी। और लास्ट में जो है वो हमने लास्ट वाले रैप के ऊपर हमने जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगाया है तो वो भी स्टिक हो जाएगा, उससे वो हमारा रैप खुलेगा नहीं। अब उसे थोड़ा सा बटर डाल के ऊपर नीचे से अच्छे से क्रिस्पी कर लीजिए, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से गुई और मेल्टेड चीज़ इसके अंदर होती है। और आप फिलिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके अंदर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी डाले हैं, आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज़ ना डालें, आप इसके अंदर चिकन डाल सकते हैं या फिर आप इसके अंदर पनीर डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसे मीठा भी बना सकते हैं, इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड और थोड़े से फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और कितना झटपट बन जाता है, आमतौर से हम लोगों के घर में थोड़ी रोटी जो होती है वो बची हुई होती ही है तो को इस तरह से यूज़ कर लिया जाए तो कितना अच्छा है और ये बहुत अच्छा सा स्नैक बन जाता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये किस फीलिंग के साथ बनाया। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।